जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। अभी जो आप मेरे पास ये टुल्लू पंप मोटर देख रहे हैं, तो देखिए साथियों इसमें है क्या, जो अभी आप देख सकते हैं इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। अब देखिए हम लाइट देते हैं, देखिए थोड़ा सा पंखी हिल रहा है, आप देख लीजिए थोड़ा सा हिल रहा है। जैसे हम इसको घुमा देते हैं हाथ से तो ये प्ले हो जा रहा है। और इसमें साथियों कोई भी कंडेंसर अगर लगाते हैं तो इसका यही प्रॉब्लम होता है। तो अब साथियों इसमें कैपेसिटर का कोई भी झंझट नहीं है, कैपेसिटर इसका मतलब सही है, क्योंकि नया वाला भी कैपेसिटर अगर डालते हैं आप देख सकते हैं तो ये प्ले नहीं हो पा रहा है। वैसे साथियों हाथ से धक्का देने पे चल जा रहा है, जबकि ये मोटर बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हैं जाम उम भी नहीं है। तो अब साथियों इसको क्या करेंगे, हम खोलेंगे और खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसका फॉल्ट कहाँ है। तो आप लोग देख लीजिए, इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों के पास भी आएगा। तो साथियों आप लोग हाथ से धक्का दे करके मोटर को नहीं चलाएँगे, अन्यथा आपका स्टार्टिंग कॉइल सही भी रहेगा तो जल जाएगा। हमको लगता है इसके स्टार्टिंग में फॉल्ट है, तो चलिए आप मोटर को पहले खोलेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग के पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है या जाम प्रॉब्लम आता है तो सभी का हल हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिए। तो चलिए अब इस मोटर को हम पहले खोलते हैं और खोलने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है या किस चीज़ का प्रॉब्लम है। हमको तो लगता है इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम ही होना चाहिए, क्योंकि धक्का दे करके मोटर प्ले हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर लगने पे मोटर प्ले नहीं होता है, जबकि मोटर में लाइट देने के बाद ऑटोमेटिक प्ले हो जाना चाहिए अगर कैपेसिटर वगैरह नया डालते हैं तो। अब इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा, फिर जा करके इसका आगे का प्रक्रिया पता चलेगा कि ये कहाँ से इसका कौन सा पॉइंट लीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों कि हम जो इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी शेयर करते हैं तो एकदम 100% सटीक जानकारी आपको मिलता है। साथियों अगर मोटर आपका बाय द वे जाम चल रहा है, इसको जैसे घुमाइएगा, बहुत मोटर कई दिन तक देने पे जाम चलता है, तो साथियों इसके ये आगे वाले पे थोड़ा सा हथौड़ी से आपको ठोकर मारना है थोड़ा थोड़ा करके, और पीछे से पंखी को घुमाना है, तो ये मोटर ऑटोमेटिक आपका फ्री हो जाएगा। लेकिन इसमें तो फ्री का बीमारी, जाम का बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब इसको खोलते हैं और आपको दिखलाते हैं कि इसके अंदर में कौन सा पॉइंट कटा हुआ है या क्या पोजीशन है, आप लोगों के सामने हम खोलेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले इस पिन को हमको निकालना होगा, तो इस पिन को हम खोलते हैं फिर जा करके आपको दिखला। तो देखिए साथियों इस मोटर में आप देख सकते हैं कि पानी गया हुआ है, ये वाटर डैमेज होने के कारण इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह सब कट चुका है। और साथियों जैसे ही लाइट देते हैं तो मोटर काफ़ी हीट हो जाता है, आप देख सकते हैं लाइव इसमें कितना पानी है, नीचे भी गिरा हुआ है। तो आपको मैं दिखाता हूं, देखिए इसमें अभी भी पानी, ये देखिए साथियों निकल रहा है। तो इस तरह से अगर वाटर डैमेज मोटर हो जाता है, पानी इसके अंदर चले जाता है, तो मोटर आपका पले तो होने के लिए हो जाता है, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा लेगा और चलेगा नहीं, मोटर जल्द गर्म हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग को घुमा करके यानी कि पंखुड़ी घुमा करके भी चला देते हैं तो इसमें आपका नुकसान है, जितना भी आपका वायर वगैरह लगा हुआ रहेगा बोर्ड तक, मेन लाइन तक, वह सभी गल जाएगा और काफ़ी एम्पियर मीटर लेगा और ज़्यादा आपका बिजली का खपत होगा। तो इसलिए ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप इस तरह से मोटर को न चलाएँ। इसमें साथियों कंडेंसर का गड़बड़ी नहीं था कैपेसिटर का, तो इसलिए हमने आपको दिखाए। अब चलिए साथियों इसको हम पूरी तरह से ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें तो पानी गया है। जब मोटर के अंदर आपका पानी चला जाता है तो मोटर आपका वर्क ही नहीं करेगा, चाहे आप कितना कुछ कर लीजिए, कितना भी सुखा लीजिए, कुछ कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी है। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं फिर जाके दिखाते हैं। आप लोग वीडियो को पूरी देखिए, मैं आपको आपके सामने लाइव आकर के दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया वाटर डैमेज आपको, लेकिन हमने खोल करके दिखाए हैं कि हकीकत में वाटर डैमेज है। यहाँ देख लीजिए इसमें कितना पानी भरा हुआ था, अभी निकला है, आप देख सकते हैं। इस वजह से ये मोटर शॉर्ट हो चुका है। अब इसको साथियों बिना बनाए हुए काटे हुए नया रिवाइंडिंग किए हुए कोई ऑप्शन नहीं बच गया है, क्योंकि इसके अंदर के लच्छी में पानी जाने के कारण ये शॉर्ट कर जाता है। आप अगर इसको धूप ऊप में भी सुखा दीजिएगा फिर भी ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें
पानी जाने के बाद अगर लाइट दे देते हैं तो इसके अंदर से ही शॉर्ट हो जाता है। इस तरह का हम कई मोटर खोल करके सुखा करके भी 10 रोज़ देखे हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको डायरेक्टली काट करके बनाना पड़ेगा। अगर इस मोटर की डाटा वगैरह देखना हो तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, आपको हम इस मोटर की एक्यूरेट डाटा दे देंगे। आप देख सकते हैं कंपनी रिवाइंडिंग है और कंपनी रिवाइंडिंग डाटा ही आपको हम शेयर कर देंगे। तो अभी तक आपने देख लिए, और चलिए ये उषा का कौन सा मॉडल है यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 100 देख लीजिए 100 मॉडल है, 12.5 MMB कैपेसिटर लेके चलता है। अब देखिए साथियों इसका वायरिंग वगैरह बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब इसको जिस टाइम हम काटेंगे तो आपको हम बताएंगे। तो आपने देख लिए कि अगर स्टार्टिंग फॉल्ट होता है तो डायरेक्टली आप लोग कैपेसिटर न चेंज करें, बाद बाकी खोल करके भी देखें क्योंकि इसमें पानी भी अंदर खड़ा हुआ रहता है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी आपके समझ में आ जाता हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह का नया नया फॉल्ट और प्रॉब्लम देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं आप हमारे प्रोफाइल को फॉलो कर लें जो कि अमित अमन के नाम से हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।